अस्सलाम वालेकुम, 37 लर्नर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैफ की स्कॉलरशिप के हवाले से आज मैथमेटिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 9 जा रहा है, वो है डमास मेथड, जो इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे 37 लर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हर कोई इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ से। लेक्चर की तरफ चलने से पहले, आप जो भी लेक्चर देखते हो, चाहे यूट्यूब हो, कोई और यूट्यूब चैनल हो उस पर, तो लेक्चर देखने के बाद आप उनकी प्रैक्टिस लाजमी करा करें। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आपने वीडियो देख तो ली, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको चीज़ वो नहीं आएगी। चलो आएगी तो मतलब वो टेम्पररी होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस से क्या है, आपको जो है इस आपका जो है जहन एक मुतमिन हो जाएगा, हाँ यार मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेक्चर की तरफ। अब डमास मेथड है, ठीक है। अब डमास मेथड क्या है, ठीक है। अब देखो, वर्ड डी से ये लिया गया है डिवाइड, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको डिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या मल्टीपल, ठीक। उसके बाद ए से होता है एडिशन, ठीक है, एडिशन। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब डमास मेथड में अगर आपके पास सबसे पहले डिवीजन आ जाए, सॉरी डिवीजन आ जाए, या मल्टीप्लिकेशन एडिशन आ जाए, या सब्ट्रैक्शन आ जाए, तो उन सबसे पहले आपको हल करना है, किसको सॉल्व करना है, डिवीजन को, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है आपकी मर्जी, है माइनस करो या एडिशन करो, इसमें कोई क्या नाम है खास नहीं, पर ये लाजमी है कि पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ठीक है, 3 × 8 / 2 + 9, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन सी जो सिंबल इस्तेमाल हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्लस, ठीक है। तो हमें रूल को फॉलो करना है कि रूल में सबसे पहले डिवीजन को हम सोल्व करते हैं। तो डिवीजन हमारे पास ये है, ठीक है, ये रकम क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, 8 / 2, ठीक। जब 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना टाइम लगा, 4 टाइम टेबल लगा, ठीक है। मतलब हमारे पास आंसर क्या आया, 4, ठीक है। तो 3 × 4 + 9, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब डिवीजन को आप सोल्व करते हो तो उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ये हो रहा 3 × 12 + 9, ठीक। अब प्लस हो रहा है, 3 और 9 कितने हो गए, 3 और 9 हो गए, सॉरी 12 और 9 कितने हो गए, ये हो गए 21। मतलब इसका आंसर क्या है हमारे पास, 21। उस तरीके से सेकेंड नंबर है हमारे पास, ठीक है, इसमें प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और माइनस है। तो वही फार्मूला, वही तरीक़ेकार के सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे कि डिवाइड ये रकम दोनों हो, ठीक है, 18 प्लस। अब 9 की टेबल्स 81 पर कितनी दफ़ा जाती है, कितनी मरतबा जाती है, 9 टाइम, ठीक है। ये 9 लिख लो, × 3 − 1, ठीक। उसके बाद क्या करना है, डिवीजन जब सोल्व करते हो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 9 × 3 = 27 − 11, ठीक है। अब देखो, प्लस और माइनस है, आपकी मर्जी है, जो पहले करो, या प्लस कर दो या माइनस कर दो पहले, ठीक है। तो हम को करते हैं पहले क्या, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 27 और 18 हमारे पास कितने हो गए, ये 7 और 8 कितने, 15 का 5, 1 ऊपर गया, 1 और 2 3, 3 और 1 4, ठीक है, ये हो गया 45 − 11।
अब 45 में से 11 गए, हमारे पास कितने बचेंगे? 34, ये आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करो 37 लर्नर को, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा परसेंटेज, जो इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। और जब भी हम मैथ और इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम जनरल साइंस लेके आएंगे, और इंशाल्लाह वो 2 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनकी टेस्ट जो है वो 24 जुलाई से है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब 37 लर्नर एंड शेयर द वीडियोज़ योर फेसबुक पेज एंड एवरीवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।